आइए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। दो बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और दोनों बार वीडियो सेव नहीं हुआ, इसीलिए हिंदी की लंबी वीडियो में नहीं डाल सकी। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और अगले 7 डेज में उनके क्या एक्शंस होंगे। तो सिट बैक, रिलैक्स, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें एंड लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल, द मोस्ट होली स्पिरिट एंड द डिवाइन मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स, उनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स हैं, मेंटली बहुत रेस्टलेस हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, डेविल की एनर्जी है आपके लिए, बहुत ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे इधर आप ऑन अ ब्रेक हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, या रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा नाखुश हैं और आपने आपके पार्टनर को बताया है कि आप नाखुश हैं और उसके कारण जो है आपके इंसान को अब लगता है कि शायद आपके साथ फ्यूचर उनका नहीं होगा या फ्यूचर आपके साथ एक फ्यूचर के लिए मे बी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत मेंटली रेस्टलेस हैं कि आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या आप ये रिलेशनशिप से मूव ऑन तो नहीं करना चाह रहे, और डेविल की एनर्जी है, बहुत पैशनेट आपके लिए फील करते हैं, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और आपके लिए इंसान ऑब्सेस्ड है, ऐसी एनर्जी है कि ये आपको छोड़ के किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। एंड देन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही कहती है कि ये इंसान जो है चाहते हैं कि जिस ढंग से आप वो इंसान के लिए सब कुछ है वैसा ही ये इंसान जो है आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपने ये इंसान को शायद इम्पोर्टेंस देने में थोड़ी सी कमी की होगी या आपने ये इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी बताई होंगी जहाँ पे ये ऑल ऑफ अ सडन डर रहे हैं कि आप मेरे व्यूअर्स का इरादा क्या है, क्या आप ये रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, नहीं इंटरेस्टेड हैं, वो वाली एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट आप लोगों के रिश्ते में राइट नाउ क्या चल रहा है। अगेन जनरल एनर्जी है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। द नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, आपके रिश्ते में राइट नाउ क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके इंसान ने आपको अटेंशन देना कम कर दिया होगा, या तो इन द रिसेंट पास्ट कुछ दिनों के, मैंने सम डेज बैक ना, हाउ डू आई से, सम डेज बैक, कुछ दिनों पहले से ये इंसान जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कहीं और मसरूफ़ होंगे, कहीं और बिजी होंगे, आपकी तरफ अटेंशन कम देते होंगे, आपको टाइम कम देते होंगे, रोमांटिक आपसे बिहेव नहीं करते होंगे, इसीलिए जो है यू हैव कम इन टू एन एनर्जी कि आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप का मतलब क्या है। आपकी भी एनर्जी हो सकती है लेकिन ओवरऑल यही रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी थी, है ना, कि ठीक है आप मेरे व्यूअर कहाँ जाएंगे, कुछ भी हो जाए मैं नहीं टाइम दूँ, मैं नहीं अटेंशन दूँ, ठीक है मिलेंगे करके फिर लास्ट मिनट बोला नहीं मिलेंगे। तो वो वाली एनर्जी से ये इंसान ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है और आपकी अब ऐसी एनर्जी है कि आप चाहते हैं कि या तो ये इंसान आपको ठीक से अपना बनाए या ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। तो वो मूवमेंट की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा भी हो सकता है कि आप घर बदल रहे हैं या आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो रिलेशनशिप में दूरी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसी भी एनर्जी है कि आप शायद चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर वे में आगे बढ़े और आपके इंसान वो ढंग से रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये इंसान की आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे दिवाली के जब पटाखे बजते हैं तो हमारे जो डॉग्स हैं ना वो बहुत डरते हैं और इतना भौंकते हैं, तो अगर रिकॉर्डिंग में वो आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको आप, आई एम सॉरी फॉर दैट। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान का दिल टूटा है राइट नाउ, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए यही है कि दे आर हार्ट ब्रोकन, बहुत बुरा हाल है उनका।
टेम्परेंस की एनर्जी है, ये इंसान जो है ना इनको समझ ही नहीं आया कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे लाना है ना। तो उनकी करंट ये एनर्जी यही है कि टावर की भी एनर्जी है, तो ये इंसान की करंट एनर्जी यही है कि मैंने ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश नहीं की, जो मेरे व्यूअर्स को चाहिए था वो मैंने मेरे आपको उन्होंने नहीं दिया, और अब वो ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे जैसे ना उनके पैरों के नीचे की ज़मीन हिल गई है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, बट फॉर सम ऑफ यू मे बी आप जो मेरे व्यूअर्स हैं आपने ये रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश की होगी, तो आप मेरे व्यूअर्स जो हैं आपने ये रिलेशनशिप ख़त्म करने की कोशिश की होगी, और अब ये इंसान के ना जैसे पैरों के तले की ज़मीन जो है निकल गई है। ये इंसान के जो है आपके लिए इरादे क्या हैं, मैं मैसेजेस भी लूँगी और एंजल गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, वॉट इज हैपनिंग, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट उनके लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, ताकि ये आपको नहीं इतना टाइम समय दे सकते हैं। द वर्ल्ड, फिर से वही कार्ड्स आ रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके इंसान के लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स और फोर ऑफ सोर्ड्स, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, ये इंसान मेंटली बहुत बहुत डिस्टर्ब है राइट नाउ। इनको लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है कि जो उनकी प्रॉब्लम है जिसके कारण ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो या तो बीमार होंगे या मेंटली इतने थक चुके होंगे कि जब आपको आप उनको मिलते होंगे तो आपको ना जैसे उन पर तरस आएगा कि बाप रे ये इंसान को हुआ क्या है। मैं इनकी साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो राइट नाउ इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका दिमाग ही अब काम करना बंद हो चुका है कि वो आगे क्या करें। एक ऐसी सिचुएशन है उनकी लाइफ में जहाँ पे उनको बैलेंस ही नहीं मिल रहा है चीज़ों को आगे कैसे लेके जाने की, तो इसीलिए अब उनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि इतना प्रॉब्लम हो गया है कि अब मुझे सिर्फ मेरे खुद को बंद करना है और मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने ये इंसान इतनी हेल्पलेस हो गए हैं, हेल्पलेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, निराश तो हुए हैं, लेकिन उनको अब ऐसे लग रहा है कि मेरी लाइफ सिचुएशन ऐसी है कि मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये इंसान जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, एक बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड इंसान की एनर्जी होती है। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान 100% आपसे प्यार करते हैं, लेकिन राइट नाउ उनकी सिचुएशन क्या है कि मुझे जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो फंसे हुए हैं, जिसके कारण उनको इतना मेंटल टेंशन आ रहा है, उन चीज़ों को मैं सॉल्व करके ही आपके पास आ सकता हूँ। वेदर इट इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जॉब, मनी, कॉलेज, डिवोर्स, सेपरेशन, मदर, फादर, बीमारी, बच्चा, कुछ भी हो, ये इंसान की एनर्जी यही है कि मैं दोनों तरफ इक्वल टाइम नहीं दे पाऊँगा, ये उनकी कमज़ोरी है, या ये इंसान ऐसे बने हैं कि वो एक टाइम पे एक ही चीज़ करेंगे, है ना। तो ये इंसान आपको छोड़ेंगे तो नहीं, आपके पास ज़रूर आएंगे, लेकिन ये कब आएंगे, जब ये मेंटली एक बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे। तो एडवाइस आपको यही है, एडवाइस कार्ड्स निकालेंगे, लेकिन एडवाइस आपको यही होगा कि अगर ये इंसान आपसे स्पेस मांगते हैं, अगर ये इंसान आपसे टाइम मांगते हैं, अगर ये इंसान आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, तो जस्ट इनको छोड़ दो। बिकॉज ना मेरे को इन पे तरस आ रहा है, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी लाइफ में सच में
अच्छी एनर्जी नहीं चल रही है, ये इंसान कुछ ना कुछ तो गो थ्रू कर रहे हैं जिनके कारण इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स सी कि ये आपके लिए जो है एडवाइस क्या है और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी हम देखेंगे। एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स, ये रिलेशनशिप को लेके आप, ओए अच्छा, ये दो जंपर्स हैं, सैक्रिफाइस सिंसियर एंड स्टेबिलिटी एंड ओके योर लव वंस आर ऑलवेज विद यू। दिस इज स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ऑफ योर, अगर आपके कोई लव्ड वंस हैं जो आपके साथ इस दुनिया में नहीं है तो वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। ऑल राइट, स्टेबिलिटी है यहाँ पे, सेट अ सॉलिड फाउंडेशन, सिंसियर, समवन क्लोज टू यू इज सिंसियर, मैंने कहा सिंसियर है यहाँ पे, समवन क्लोज टू यू सिंसियर की जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको लेके सिंसियर हैं, आपको लेके सच्चा फील करते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, सैक्रिफाइस है। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, ये ऐसे इंसान हैं जो खुद को तंग करके दूसरों के लिए चीज़ें करते हैं, और इसीलिए क्या हुआ है कि ये इंसान के ऊपर अब इतना बोझ है, इतना प्रेशर है कि सब उनको हैंडल करना है, सब उनको देखना है, कि राइट नाउ ये इंसान आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते। सेट अ सॉलिड फाउंडेशन, तो आपके लिए यहाँ पे सिंसियर स्टेबिलिटी एंड सैक्रिफाइस है ना। आपने जो है ये इंसान की अभी का जो टाइम है वो आप छोड़ के और डीप में जाके सोचें कि क्या ये इंसान हमेशा आपके साथ रहे हैं, आपको सपोर्ट किया है, ये इंसान मे बी आपके साथ है, कभी आपको चीट नहीं किया। तो आई थिंक टाइम आपके लिए अगेन सबके साथ 100% रेजोनेट नहीं होगा। अगर आप एक सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ टैरो रीडिंग। अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ फुली मैच कर रहा है और ये आपको एक पर्सनल रीडिंग लगती है, तो एडवाइस आपका यही है कि आप ये इंसान को थोड़ा सा पेशेंस के साथ हैंडल करें, थोड़ा सा उनको स्पेस दें। प्यार में ऐसा होता है ना कि जो लोग अपने होते हैं ना, हम उनके साथ कैसा भी बिहेव करते हैं बिकॉज हमको लगता है कि कुछ भी हो जाए यार ये तो इंसान हमसे प्यार करता है, ये समझ जाएगा। जो लोग समझते नहीं है वो आपके इंसान उसमें फंसे हुए हैं, है ना। बट ये इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं। आपको राइट नाउ एक सैक्रिफाइस वाली एनर्जी में आना है कि थोड़े दिन के लिए हमको चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, एंड आई थिंक अगर आप वो करेंगे तो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत अच्छी होंगी। इनके जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है जो ये आपको नहीं बता पा रहे हैं, आई होप ये वीडियो ना रिकॉर्ड हो, नहीं तो मुझे सच में रोना आएगा। दो वीडियोस मेरे पूरे रिकॉर्ड होके अपलोड नहीं हुए हैं। I know that you think that I have moved on, but the truth is that I can't get you out of my mind and heart. I still love you so much. उनका मैसेज यही है कि आपको लगता होगा कि ये इंसान मूव ऑन हो गए हैं, ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये इंसान आपके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, उनके दिमाग से वो आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं, और I still love you so much. आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। My biggest regret is that I did not fight for this love. फॉर सम ऑफ यूर, ये इंसान को अब लगता है कि उन्होंने कह दिया होगा कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को और टेंशन मत दो, तुम्हारी चिड़चिड़ मुझे सहन नहीं होती है, यू नो गिव मी अ ब्रेक, लीव मी अलोन। तो अब उनको लग रहा है कि उनका बिगेस्ट रिग्रेट यही था कि उन्होंने आपके साथ फाइट नहीं किया। ऑल राइट, वी बोथ नीड सम टाइम टू वर्क ऑन आर इशूज, आई नो दैट वी विल कम बैक टूगेदर वेन वी आर हील्ड एंड स्ट्रांग। आपको यही कहना चाहते हैं कि मे बी राइट नाउ हम दोनों को एक दूसरे से थोड़ा टाइम अवे चाहिए है, बिकॉज हमको हमारे इश्यूज, हमारे प्रॉब्लम्स पे काम करना है, लेकिन मुझे पता है कि हम दोनों वापस इकट्ठा बहुत स्ट्रांग वापस आएंगे। आई वॉन्ट यू मोर देन एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड, बट आई एम स्केयर्ड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ विद यू। दिस पर्सन ना, पूरी दुनिया में इनको सिर्फ आप चाहिए, लेकिन अब ये डर रहे हैं कि आपकी तरफ आए तो कैसे आए। तो आई थिंक ये बहुत ही सेंसिटिव रीडिंग है, और आपके इंसान के लिए मुझे एक्चुअली बुरा लग रहा है कि वो इतना आपसे प्यार करके भी कहीं और फंसे हुए हैं, और
उनकी भी गलती है कि उन्होंने आपके लिए फाइट नहीं किया, बट अगेन आपकी हेल्थी बाउंड्रीज को आपने सेट करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर ये रिश्ता बच सकता है तो उसको बचाने की कोशिश करें। आई थिंक आपके इंसान को राइट नाउ टाइम और स्पेस की ज़रूरत है, तो आप खुद को बिजी रखें, है ना। वो सिर्फ इनका मैसेज आएगा तो आप खुश रहेंगे, ऐसी एनर्जी में ना रहें, इनको थोड़ा टाइम स्पेस दें ताकि ये अपने प्रॉब्लम से डील करें, बिकॉज आई फील ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे। लेट्स फाइंड आउट इनके नेक्स्ट एक्शंस। पेज ऑफ कप्स आया है, इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। देखो नेक्स्ट 7 डेज में पेज ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा, या तो आप इनसे कम्युनिकेट करेंगे या ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड अगेन वी हैव द टावर, द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो टावर मोमेंट है ना, कि जैसे पैरों के तले से जो आपकी ज़मीन खिसक गई या एकदम झट से आपने डिसाइड किया ये रिलेशनशिप एंड करना है, ये इंसान कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, आपको भी बैलेंस करें और जो दूसरा इंसान है या किसी और चीज़ में ये फंसे हैं उसको भी बैलेंस करें। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपके पास आएंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, फिजिकली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो, तो ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी और लोगों के कारण प्रॉब्लम हुआ है, गॉसिप के कारण प्रॉब्लम हुआ है, तो ये भाभी एक मिनट आप कल सुबह आएंगे ना? हाँ, तो जल्दी बोलो, रिकॉर्डिंग है 8 बजे। हाँ, तो 7:30-8:15 ही आ जाओ। हाँ। तो ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेटली आपकी तरफ आएंगे, आपको ऐसे मैसेजेस भेजेंगे जहाँ पे आपको खुशी मिलेगी, आपका अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यही आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बिकॉज ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये उनका जो प्रॉब्लम है, उनकी जो सिचुएशन है, उसको भी मैनेज करेंगे, उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे और आपको भी टाइम अटेंशन देने की कोशिश करेंगे। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एज ऑलवेज। प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।